चार दिन के लिए आके कुछ कर दिए चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत परेशान हैं हम लोग, पूरी ऐसी तैसी हुआ है, दुकान में डिस्प्ले नहीं लग रहा है, न ढंग से पानी डाल रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, सुबह से लेकर शाम तक धूल से नहा रहे हैं। पूरा शहर की तो ऐसी तैसी कर दिया, देखो ना 1-1.5 महीना हो गया है, पाइप बाजूच में है, उसको भी ठीक नहीं करा पाए। जो अकबर ढेबर की सरकार है उस सरकार को लोग सबक सिखाएंगे। आज रायपुर के अंदर में ऐसा कौन सा रोड है जिसकी वाट नहीं लगाई गई है, पूरा खोद खोद के रख दिए। रायपुर में आधे शहर में केबलिंग और पाइपलाइन के नाम पर जगह जगह गड्ढे किए जा रहे हैं, पाटने का भी काम चल रहा है। चूंकि काम कर रहे हैं इसलिए गड्ढे खोदना भी ज़रूरी है, लेकिन इससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम रायपुर दक्षिण में पहुँचे हैं सदर बाजार इलाके में, और आपको जगह जगह ऐसे गड्ढे इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में मिल जाएंगे। नेताओं का कहना है कि भाई काम करना है तो गड्ढा तो खोदना पड़ेगा, और ये बात ठीक भी है। लेकिन अभी सर पे विधानसभा चुनाव है, 17 तारीख को रायपुर और अन्य जगह वोटिंग होनी है, तो हम चलेंगे सीधे मतदाताओं के पास और पूछेंगे इस अधूरे निर्माण कार्य का मतदान पर क्या असर होगा, क्या वो इसे क्षेत्रीय विधायक को इस पे दोषी मानते हैं या इस लेट लतीफ़ी के लिए नगर निगम दोषी है। भाई जो हो रहा है निर्माण कार्य, लेकिन बहुत सारा अधूरा निर्माण है इस पर, तो इसका वोटिंग पर असर पड़ेगा? उतना ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा सर, फिर भी थोड़ा बहुत पड़ेगा सर, क्योंकि न इस चुनाव के ही समय में सब कार्य चालू किया गया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो ठेका जो पद्धति है वो ठेकेदारों की गलती है, ना कि सरकार की प्रशासन की कोई गलती है। नाराज़गी तो लोगों में है, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत पड़ेगा सर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसे भी शहर के वोट तो BJP वोट है। अब बोला बता नहीं सकूँगा, मोला तो वोटिंग में कम हो ऐसे लगा थे कर बारे में काबर रोड पूरा सब जगह बिगाड़ दे रहे हैं, रोड लगा हाँ जरूरी है मगर ओला जनता नहीं समझे ना, ओला जनता नहीं समझे, कतेक आदमी गिरा थे, कतेक गोड़ हाथ टूटा थे है ना, तेकर नाम से आदमी है, कतेक आदमी छिड़ गए है। अब काम जरूरी छे वह काबर वो काम ला नहीं करी तो फिर शहर का कैसे मिली, पानी है बिजली है ये चीज़ है वहाँ अधूरा काम है, तो कुछ लोग नाराज भी है, लेकिन खुदाई भी जरूरी है काम के लिए, तो क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा आपको लगता है? तो पड़ेगा ही पूरा शहर की तो ऐसी तैसी कर दिया, देखो ना 1-1.5 महीना हो गया है, पाइप बाजूच में है, उसको भी ठीक नहीं करा पाए हैं, तो इसको तो जब वायर निकाल दिया तो देखो कचरा कितना हो गया उसके चक्कर में, तो लोग ये है ना भाई जरूरी भी है खुदाई काम तो जरूरी है, ठीक है ना, तो एक साइड करो ना, उसके बाद फिर ये करो ना दूसरे साइड में, हैं ये भी तो है ना भाई, नाराजगी रह सकती है, वो तो रह सकती है ना। अच्छा ये विधायक के प्रति नाराजगी रहेगी कि नगर निगम की सरकार की? सरकार के प्रति विधायक तो क्या करेगा विधायक है ना, वो चीज है ना, विधायक के प्रति नहीं है वो तो सरकार के प्रति है। अब देखो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, जब चुनाव है तो अभी देख लो 1-1.5 महीना से हो गया, गणेश के पहले का है, हैं अब वो छोड़ के चल दिए, अब कुछ नहीं तो ये करो हैं, जल्दी करना चाहिए। अब वो ये कर देता तो कचरा तो नहीं रहता ना, पूरा मुक्का टाइप का हो गया यहाँ पे हैं। आपको क्या लगता है भैया, प्लानिंग की कमी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? आदरणीय ऐसा है कि रायपुर के अंदर का हर जगह स्थिति बहुत ख़राब है, टोटल हम बोल रहे हैं 5 साल में ना सफाई है ना, ना कानून व्यवस्था है, ना यातायात है, ना बिजली है। छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा हो रही है फिर भी 4-4 घंटा 5-5 घंटा ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जो कटौती है, फ़ोन करो तो मेंटेनेंस चल रहा है, भाई बाकी टाइम में क्या करते हो है? आप दुकान खोलोगे देख रहे हो लाइट गोल, फ़ोन लगा रहे हो बिजली ऑफिस, भैया मेंटेनेंस चल रहा है 3 बजे आएगा, 3 के बजाय 4:30 बज जा रहे भैया, देख रहे फॉल्ट पकड़ में नहीं आ रहे, तो ये क्या प्रॉब्लम है बताए, वो देखिए नाली है, कहाँ है आपके ठेकेदार, कहाँ है आपके सफाई कर्मचारी? BJP के राज में इसी रोड में दिन में 2 बार झाड़ू लगती थी आदरणीय, और नाली में कचरा नहीं दिखता था है ना, दिन में 2 बार गाड़ी आती थी कचरा निकालते थे, और पूरा कचरा निकालने के बाद समेट के ले जाते थे, लगता था कि हम रायपुर में रह रहे हैं। आज रायपुर के अंदर में ऐसा कौन सा रोड है जिसकी वाट नहीं लगाई गई है, पूरा खोद खोद के रख दिए, अब बोलते हैं काम चल रहा है, ठेकेदार का टाइमिंग देखो ना कि कब इसको कॉन्ट्रैक्ट काम पूरा करना तो कब कर रहा है, मतलब चल रहा है ढर्रा शाही ऐसा टाइप का है ना, और क्या बोलोगे, बस वही है, 100 में 80-99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान बोल सकते हैं।
आप देख ही रहे हो, अब जाने से रास्ता इतना जगह जगह खुदा हुआ है जिससे यातायात आने जाने में परेशानी होती है। अभी देख लीजिए इधर दो कार प्रॉपर जा नहीं पा रहे हैं, जाम लगा हुआ है। तो ये काम जरूर, काम के लिए खुदाई भी जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से कीजिए ना। एक चैनल हर गली में हर मोहल्ले में खुदा हुआ है, एक एक सीरीज करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। प्लानिंग से काम करना चाहिए था, एक रोड को चार चार बार खोद रहे हैं, महीनों काम चल रहा है ना, काम कब काम कंप्लीट होगा पता नहीं, ना इनके ठेकेदार आते हैं ना कोई आते हैं, और मतलब इन्हें बड़े गंदगी बेहद तरीके से काम हो रहा है। चुनाव में असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा, जनता त्रस्त है, एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, धूल इतनी उड़ रही है, लोगों को सर्दी खांसी है, लोग जा नहीं रही है, एलर्जी प्रॉब्लम, या तो इनका टाई अप होगा मेडिकल वालों से, हॉस्पिटल वालों से। अभी देखो नाली खोद रहे हैं, उधर नाली बना रहे हैं, सामने त्यौहार है, दिवाली है, लोगों के धंधे पानी में असर पड़ेगा, सब चीज़ पड़ेगा। मैं इतना जानती हूँ सरकार जो भी कदम उठाती है जनता के हित और भलाई के लिए उठाती है, परंतु होता क्या है, टेंडर प्रथा के कारण इन कामों में जनता को नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है कि इन लोग जब खोदते हैं और उस काम को संपूर्ण नहीं करते और उसको अधूरा छोड़ के दूसरी जगह चल देते हैं, इससे पब्लिक को परेशानी होती है। इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। वोटर को फर्क पड़ेगा? वोटर को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जानती है कि जब तक टेंडर प्रथा चलेगी इसी तरह काम होता रहेगा, चैनल बनता रहेगा और लोग खुश होते रहेंगे काम करने वाले। परंतु सबसे बड़ी असुविधा की बात यह है कि सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए। जनता बहुत त्रस्त है, जनता त्रस्त हो रही है, सर्दी खांसी बुखार सांस, मेरे जैसी, मेरी, मैं श्रीमती राजकुमारी खंडेलवाल 72 वर्षों में मैं खुद ये धूल से सांस से प्रभावित होती हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ सरकार से मेरी एक ही विनती है, जिसको भी वो दे उसको ये हिंदी समझा के दे कि इस काम को एक जगह संपूर्ण होने के बाद ही आप दूसरी जगह जाओगे, बाकी आप खुद समझदार हो और आप खुद समझोगे और इस काम को संपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक करोगे और जनता के हित में काम करोगे। धन्यवाद, जय हिंद। सही है, चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो चुनाव ही बताएगा, लेकिन गड्ढे अभी उतने नहीं हैं जितने पहले थे, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, बिना कोई काम बिगाड़े काम बनता नहीं। सड़क को अगर अभी बिगाड़ रहे हैं तो कल के दिन सड़क को प्लेन भी करेंगे, हमें सुविधा भी देगी सरकार। मतलब बिजली चुनाव पहले अगर बन जाए तो नाराज चुनाव के नहीं, चुनाव के पहले तो भाई तो हर काम करने की एक क्षमता होती, सीमा होती है। सर चुनाव होगा तो चुनाव के आधार पर जैसे जो वर्क पहले से बोला गया है कि मतलब जो सरकार घोषणाएं की हैं, जो जो जीतती उनकी घोषणाएं हैं उसको कहीं ना कहीं वो लोग अपना मतलब इस एज मतलब इतना क्राइटेरिया के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो आचार संहिता लग गया है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, असर तो पड़ेगा ही। और में कितना असर रहेगा अधूरा निर्माण का सर, क्योंकि ये मेन जाने आने वाला रोड है तो यहाँ पे अगर धूल उड़ रही है रोज के आने जाने में तो उससे थोड़ा दिक्कत आ रही है हम लोगों को, तो अगर जल्दी बन जाए तो हम लोगों के लिए ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि गड्ढे हैं और यहाँ पे कई ये पूरा बीच बीच में पड़े हुए हैं, बैरिकेड्स पड़े हुए हैं। चुनाव में असर होगा इसका वोटिंग के दिन? पड़ेगा ही, असर तो पड़ेगा ही। और में कितना असर रहेगा अधूरा निर्माण का सर, क्योंकि ये मेन जाने आने वाला रोड है तो यहाँ पे अगर धूल उड़ रही है रोज के आने जाने में तो उससे थोड़ा दिक्कत आ रही है हम लोगों को, तो अगर जल्दी बन जाए तो हम लोगों के लिए ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि गड्ढे हैं और यहाँ पे कई ये पूरा बीच बीच में पड़े हुए हैं, बैरिकेड्स पड़े हुए हैं। चुनाव में असर होगा इसका वोटिंग के दिन? सर जो जिनके मन में अगर कुछ रहा तो अगर हो सकता है उसका थोड़ा बहुत असर पड़े, लेकिन ऐसे सरकार अपने तरफ से तो पूरा जितना निर्माण कार्य करना है उसको पूरा कंप्लीट करा रही है। जी प्रयास तो कर रही है सरकार। सदर बाजार के बाद हम पहुंचे हैं पुरानी बस्ती और लाखे नगर मुख्य मार्ग पे। आपको बता दें अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, इसके बाद जो तारों का जंजाल है शायद इस रोड से पूरे तरीके से गायब हो जाएगा, लेकिन महीनों से काम चल रहा है पाइपलाइन और अब केबलिंग का, लोग काफ़ी परेशान हैं। काम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन इसका वोटर्स पे क्या असर होगा, काम को लेकर खुश है या अधूरे निर्माण या धीमी गति से नाराज है, वोटर से बात करेंगे, जानेंगे उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। एक वर्ग का ये कहना है बहुत लेट काम चल रहा है, धूल गड्ढे से सब परेशान है। एक वर्ग ये कह रहा है कि बिना गड्ढा खोदे काम नहीं हो सकता। कुछ लोग बोल रहे प्लानिंग से काम नहीं हो रहा, अभी चुनाव है 17 तारीख, तो इस परेशानी का कितना असर होगा काम में, इस काम का क्या लगता है? होगा बहुत,
वैसे सही में सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा है। पहले एक साइड को बनाना चाहिए, एक साइड जाएंगे सब, उसके बाद एक साइड बन जाए तब दूसरे साइड को बनाना चाहिए। ऐसे में दोनों साइड के लोगों को प्रॉब्लम होता है। चुनाव में असर हो सकता है, लोग नाराज हैं? नाराज तो है लेकिन पता नहीं लोग क्या करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ेगा लग रहा है इसका। आपको क्या लग रहा है? बहुत बड़ा वर्ग है, नाराज है धूल धक्कड़ गड्ढे से, और लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई काम होना है तो गड्ढा तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा मन में? हाँ, मन में तो रहेगा कि अभी तक बना नहीं है और ये बहुत दिन से ऐसा रखा हुआ है कि आम जनता को परेशानी हो रही है, तो इस काम को पहले उनको करवाना चाहिए था, सड़क सुविधा, क्योंकि जो सबसे हमारा आवश्यक चीज़ होता है ये। अच्छा, डामरीकरण कर देंगे, बढ़िया चकाचक हो जाएगी सड़क, तो फायदा होगा। हाँ, फायदा तो होगा, और साथ में उसमें ब्रेक भी रहना चाहिए रास्ते में, तो इससे सुविधा हो सकता है और चुनाव पर असर पड़ सकता है। सर, मेरे हिसाब से भी ये कार्य जल्दी होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों को, और यहाँ बहुत असर पड़ेगा, पड़ सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जनता जो है यहाँ की जो कार्य जो धीमी गति से चल रही है उसको जल्दी करवाए सरकार, ऐसा उनको लगेगा, जनता को लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, हाँ भरपूर असर पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा कितने परेशानी मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशानी है। पानी बंद हो गया, नल पानी नल पूरा बंद है, बोरिंग वोरिंग इधर उधर से लाते हैं पानी को, बहुत मुश्किल हो गया। कितने दिन से परेशान हो? अभी 6-7 दिन से हो गए, जब से खुदाई हुआ है। ये काम का क्या असर पड़ेगा चुनाव पे आपको लगता है? चुनाव में तो अब देखो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, वो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस शायद आएगा, ऐसा हो गया, हम लोग गेंद नहीं करेंगे। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, 8-10 दिन से पानी बंद है, लोग बहुत परेशान हैं, सुबह से लेकर शाम तक धूल से नहा रहे हैं। बाहर इसका चुनाव का बिल्कुल अपोजिट असर होगा, स्वाभाविक बात है, इसमें तो कुछ अलग से कुछ कहने सुनने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। कम से कम पानी तो सप्लाई करवाइए आप लोग, लेकिन काम भी ज़रूरी है तो बोले गड्ढा खोदना भी ज़रूरी है, परेशानी थोड़ी झेलनी पड़ेगी, तो उसके लिए झेलनी पड़ेगी। तो भाई जो पानी सप्लाई जो बंद हो चुकी है उसको तो रेगुलर करवाइए, बिना पानी का आप रह सकते हो क्या एक दिन भी? हैं, परेशानी झेलना है अपनी जगह सही है, लेकिन परेशानी का ये तो मतलब नहीं कि हम बिना पानी के रहें। कितने लोग परेशान हो रहे हो? पूरी लाइन परेशान है, आप सबसे चाहे पूछ सकते हैं, ये भी नहीं, ये भी कोई नहीं, नहीं बुला देते, ये पूरी लाइन बंद हो गई, नल यहाँ से लेकर पूरा नल वाटर सप्लाई बंद है। सबसे पहले आप वाटर सप्लाई कराओ, भले धूल और बरसात हो बोलना, लेकिन बिना पानी के नहीं चल सकता। कपड़ों की दुकान के बाहर आपने देखा होगा कि बुत रहते हैं या फाइबर के पुतले रहते हैं जिसपे कपड़े डिस्प्ले किए जाते हैं, लेकिन लाखे नगर के पास का जो इलाका है पुरानी बस्ती रोड पर, आप देखेंगे तमाम जो है वो जो मॉडल्स है वो ढक कर उन्हें रखा गया है। क्यों आपको बता दें, महीनों से यहाँ पर काम चल रहा है पाइपलाइन का, अंडरग्राउंड केबलिंग का, और धूल इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ इन्हें ढक कर रखना पड़ रहा है। जो डिस्प्ले होता है उस डिस्प्ले को भी छुपा दिया गया है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर नहीं डाला जा रहा है, ठेकेदार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। सर पे चुनाव हैं, ऐसी लापरवाही क्या पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए, या जो बैठे यहाँ पर सिटिंग एमएलए बृजमोहन अग्रवाल, या फिर आप कहें कि कांग्रेस के जो मेयर हैं, क्या पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा कि एमएलए को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? पूछते हैं पब्लिक से, दुकानदारों से। बहुत परेशान हैं हम लोग, पूरी ऐसी तैसी हुआ है, दुकान में डिस्प्ले नहीं लग रहा है, न ढंग से पानी डाल रहे हैं। दूसरा वर्ग ये कह रहे हैं कि प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है, तो ये क्या इसमें नाराजगी रहेगी लोगों की चुनाव के टाइम? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी रहेगी जी, चुनाव के समय। अच्छा, एक मौका है, अभी बहुत टाइम है, तो आपको लगता है कि डामरीकरण हो जाए तो कुछ बन सकती बात? डामरीकरण हो जाए तो लाख गुना अच्छी है चुनाव के रहते, उसमें व्यापारियों को भी, आने जाने वाले राहगीरों को भी बहुत मुक्ति मिलेगी। अच्छा, दिवाली में कितना असर पड़ रहा है काम धंधे पे? समझ लो 70% असर पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्या बताएं, धूल के नाम से कस्टमर ही रोड में नहीं आ रहे तो हमारी दुकानें कैसी चलेगी? आप देख सकते हो हमें झिल्ली लगा के रखना पड़ जा रहा है दिन दिन भर, अब ये दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे माल? अब धूल इतना है कि यहाँ पब्लिक रुक ही नहीं रही है, पब्लिक यहाँ से गुजर जा रही है, अब रुकेगी नहीं, हमारा धंधा नहीं चलेगा,
अब सरकारें तो हमें दे नहीं सकती ला के, हमको हमारा ही कमाना है। अपना चुनाव करेंगे, अपनी गद्दी में बैठेंगे सब, ठीक है, सब अपनी गद्दी में देखेंगे, सब अपना ही देखेंगे, हमको तो हमारा धंधा चलाना है। चुनाव में असर पड़ेगा लग रहा, नाराजगी हो सकती है? नाराजगी तो इस बार बहुत रहेगी, नाराजगी तो बहुत रहेगी। अब हम हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम फिर कैसे ध्यान देंगे उनके ऊपर, नहीं दे सकते ना ध्यान, बात यह है। अब उनको पब्लिक के बारे में भी सोचना पड़ेगा, चुनाव है, 4 दिन के लिए आके कुछ कर दिए चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा दिवाली सीजन आने वाला है आगे, अब दिवाली के समय कस्टमर नहीं आए धूल के नाम से तो हमारा तो लॉस है, हम तो डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब सरकारें तो ऐसी है कि आज बैठी कल उठी, फिर बैठी फिर उठी। अब ये तो नहीं कि हमारे घर ला के हमको खाने के लिए दे देंगे, वो तो हमको ही खाना है, हमको ही कमाना है, तो हमारी तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना वहीं पर। यही लास्ट सीजन है हमारे पास, सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ कर दे, हम गरीबों को भी कुछ सपोर्ट कर दे। रायपुर दक्षिण के बड़े हिस्से का हमने पैदल दौरा किया और आपने देखा कि एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि कुछ काम होगा तो लोगों को कुछ देर के लिए परेशानी ज़रूर होगी। वहीं एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि प्लानिंग से काम नहीं हुआ है, हर तरफ गड्ढे हैं, धूल है, जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उनको प्लानिंग से काम करना था। और एक बड़ा वर्ग इससे नाराज है, आपको क्या लगता है चुनाव में मतदान में इसका क्या असर होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? देखिए, रायपुर की जनता बहुत समझदार है, राजधानी में रहने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं, जिनको धरना स्थल परिवर्तन कराने का एक समझ है कि यहाँ से धरना स्थल बाहर जाएगा तो हम लोगों की समस्या का समाधान होगा, वैसे नागरिक इस शहर में रहते हैं। और मैं नहीं समझता कि विकास कार्य को देखकर कोई नागरिक परेशान होगा, क्षणिक परेशानी तो स्वाभाविक है। देखिए, जब मैं निकलता हूँ और किसी मोटरसाइकिल से जाता हूँ और धूल लगती है तो उस समय क्षणिक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन शहर में एक बहुत नई चीज़ हो रही है जो पूरे प्रदेश में नहीं हुई, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो रहा है और केबलिंग की प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब हुआ जिसकी वजह से चुनाव के समय में वो कार्य चल रहा है और अब कार्य हो भी चुका है और उसके ऊपर अब डामर का और सीमेंट का लेयर लगना चालू हो गया, जिससे कि आप देखेंगे कि ये बंजारी बाबा वाले चौक से लेकर महिला थाने तक और यहाँ तक की स्थितियाँ सुधर भी गई। बैरन बाजार में होली क्रॉस स्कूल की तरफ, बूढ़ा तालाब की तरफ जो श्याम टॉकीज वाली रोड है वो ठीक हो गई। तो जब आपके यहाँ विकास कार्य होगा, पहले अमृत मिशन आया जिसके तहत खुदाई हुई और पानी की पाइपलाइन डली, और अब ये जो चिन्हित क्षेत्र है वो ये भाग्यशाली है कि इनके यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए इनको चयनित किया गया, शहर के बाकी क्षेत्र इससे छूटे हुए हैं, ये इनको मान के अपना ये मानना चाहिए कि हम बहुत एडवांस तरीके से इनके यहाँ बिजलियाँ रहेगी, आंधी तूफान में इनके यहाँ बिजली गोल नहीं होगी और अंडरग्राउंड केबल होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक लॉस जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा, सरकार का भी नुकसान कम होगा और जनता को भी सुविधा मिलेगी। तो ऐसी सुविधा वाले कार्यों के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं मतदान में कोई असर पड़ेगा। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि मतदान की तिथि तक ये सारी स्थितियों को हम संभाल लेंगे और सभी रोडें दुरुस्त कर दी जाएंगी। तो जब डाबरीकरण हो जाएगा तो अपना चकाचक हो जाएंगे, स्वाभाविक तौर पर आप ये देखेंगे कि 6 महीने पहले तक सभी रोड चकाचक थी। रायपुर शहर जब लोग उतरते थे तो ये बोलते थे कि आप सौभाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। खाली छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की स्थिति आपने देखा है कि 10 साल में ड्रेनेज का काम नहीं हो पाया और आदमी चलते चलते रोड के अंदर 6-6 फीट अंदर घुस जाता था, ये भाजपा का कार्यकाल हमने देखा है। यहाँ पर हम वो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं जिसको हम लोगों ने स्मारक के रूप में सजा के रखा है राजधानी में। आपने देखा एक्सप्रेस हाईवे उद्घाटन कर दिया इन लोगों ने ज़बरदस्ती, श्रीचंद सुंदरानी जी ने नारियल फोड़ दिया और एक परिवार उसमें मरते मरते बचा, जिसका हम लोगों ने उद्घाटन नहीं किया, मरम्मत करवाई और आज एक्सप्रेस हाईवे 4 साल लगा दुरुस्त होने में और आज चल रहा है। गुणवत्तापूर्वक काम किया जाएगा, हमारी सरकार की मंशा है कि कार्य जो हो वो गुणवत्तापूर्वक हो, उद्घाटन करने की जल्दबाजी हमारे अंदर नहीं है, काम हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं, अच्छा काम करना है, गुणवत्तापूर्वक काम करना है, थोड़ी सी जो तकलीफ है उसको जल्दी से जल्दी दूर करना है, ये हमारी और हमारी सरकार की मंशा है। ये दक्षिण में बड़ा विकास कार्य चल रहा है, केबल डालने का, पाइपलाइन डालने का, अमृत मिशन का, इस पे जो कांग्रेस के लीडर है कह रहे हैं कि जब काम होता है तो थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा है, इन्होंने पूरे काम को 5 साल लेट कर दिया, अगर इस काम को शुरुआत में करते तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। आज दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रि है और उस समय गणेश चतुर्थी अभी गई है, लोगों को गड्ढों में चलना पड़ रहा है, लोगों को धूल खानी पड़ रही है और सबको मालूम है कि
जब बीजेपी की सरकार थी तब हमने पूरे रायपुर शहर में 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर पक्की सड़कें बनवाई और इन्होंने कमीशन खाने के लिए सड़कों को खुदवाकर बार बार उनको बनाने का काम कर रहे हैं। और इससे जो अकबर ढेबर की सरकार है उस सरकार को लोग सबक सिखाएंगे कि रायपुर शहर के साथ में कोई नया काम तो नहीं किया, एक भी नया काम ये बता नहीं सकते कि कोई काम इन्होंने किया हो। मतदान में असर पड़ेगा और निश्चित रूप से मतदान में असर पड़ेगा, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी रायपुर शहर के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने के कारण नाराज हैं। और जो गड्ढे की सरकार हो गई है, जो चाकूपुर की सरकार हो गई है, जो कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति की सरकार हो गई है, जो लोगों के मोबाइल छीनने वाली सरकार हो गई है, जो नौजवान बच्चों को अफीम, गांजे, चरस, मार्फिन, कोकीन और इंजेक्शन से नशे वाली सरकार हो गई है, इस सरकार को लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। लोग देख रहे हैं कि कैसे कौन लोग जितनी बड़ी दुकान है उतनी बड़ी दुकान बाहर लगाकर बिजनेस कर रहे हैं और उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये लोग देख रहे हैं और लोग इसका सबक सिखाएंगे। नाराजगी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, कोई नहीं देखनी पड़ेगी। लोग जानते हैं कि रायपुर शहर में जो कुछ काम हुआ है वो बीजेपी की सरकार के समय हुआ, वो हमारे समय हुआ है। अगर रायपुर शहर इतना सुंदर बना, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद जैसा बना तो हमने बनाया, उस शहर को धूलपुर और गड्ढापुर किसी ने बनाया है तो अकबर ढेबर की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश की सरकार ने बनाया है। अब देखने वाली बात है कि लोगों का जो मन है उसका चुनाव में कितना असर होगा, क्या ये गड्ढे जो है जो सिटी के MLA है उन पर भारी पड़ते हैं या निकाय सरकार जो कि कांग्रेस की है या राज्य सरकार जो कांग्रेस की है उस पर ये असर करेगी। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।